नमस्कार, हेलो एंड स्वागत करता हूँ मैं आपके अपने चैनल पे विमशा स्टॉक मार्केट पे। आज हम डिस्कस करेंगे गाइस यस बैंक के बारे में। क्या ये शेयर अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड है, वो भी हम समझेंगे आगे। एंड हमारे व्यूअर हैं, उनकी डिमांड थी कि यस बैंक को कवर कर लो। एंड एज अ सीरियस नोट, इस वीडियो को आप सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रखें। ये शेयर काफी खबरों में रहता है, कभी कोई इसके टारगेट अपग्रेड करता है तो कभी कोई डाउनग्रेड करता है, तो इस फैक्टर से रिस्क बढ़ जाता है इनके इन्वेस्टर्स के लिए। तो ये शेयर में इतना ही इन्वेस्ट करें जितना आप लॉस झेल पाओ, बिकॉज यहाँ स्टॉक मार्केट है, कब चीज बदल जाती है हमें पता भी नहीं चलता है, तो ये चीज का आप पूरा ध्यान रखें। ये एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है जहाँ कोई भी प्रोमोटर्स नहीं है। सबसे ज्यादा स्टेक डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, उसके बाद रिटेलर्स, फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशन एंड म्यूचुअल फंड्स के पास है। और जहाँ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने अपना स्टेक कम किया है, बट म्यूचुअल फंड्स ने अपना स्टेक बढ़ाया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और इनका मेजर इन्वेस्टर है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एंड बाकी के हैं जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो क्या टारगेट रह सकता है शेयर का, इनके एंट्री लेवल बन सकते हैं, वो हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो गाइज आप पूरा वीडियो देखना एंड तक, जिससे सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच पाए। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे आपको और भी क्वालिटी स्टॉक्स मिलते रहेंगे ऑन रेगुलर बेसिस पे। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आगे। ये बैंक फाउंड हुई थी जनवरी 2004 में, 20 साल हो चुके हैं इस बैंक को। एंड बैंक का बिजनेस मॉडल क्या है वो आप सब जानते हैं, बट स्टिल मैं थोड़ा कवर कर लेता हूँ। ये बैंक हमारे भारत में लोन प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो कार लोन हो, होम लोन हो या फिर डिपोजिटरी हो। और इनके टोटल 1198 ब्रांचेस है 300 डिस्ट्रिक्ट में। तो अब आते हैं बैंक के डेटा पे। बैंक लिस्ट हुई थी जुलाई 2005 में 12 रुपए के प्राइस पर, और अब शेयर ट्रेड कर रहा है 20 रुपए के प्राइस के आसपास। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं येस बैंक ने अब तक कितना रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। एक साल का रिटर्न देखते हैं तो शेयर ने 2% का रिटर्न दिया है, और 5 साल में शेयर ने 70% माइनस किया है अपने कैपिटल में से। और जहां ऑल टाइम रिटर्न देखते हैं तो शेयर ने सिर्फ 62% का रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर्स को। मींस 2005 में किसी ने 10,000 भी इसमें इन्वेस्ट किया होता तो आज उस 10,000 की वैल्यू होती 16,200, 16,200 के आसपास। मींस लॉन्ग टर्म में ये शेयर ने कुछ खास रिटर्न बना के नहीं दिया है, एंड काफी लोगों की वेल्थ भी गवा दी है ये शेयर ने। तो ये चीज आप ध्यान में रखें। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे। बैंक के फंडामेंटल्स कितने स्ट्रॉन्ग एंड एक्सपर्ट्स क्या रेटिंग दे रहे हैं वो हम देख लेते हैं। 73% एक्सपर्ट सेल की रेटिंग दे रहे हैं, 27% होल्ड, एंड कोई भी बाय की रेटिंग नहीं दे रहा है। मार्केट कैप करीबन 60,000 करोड़ के आसपास है, पी रेशियो 33.70 है, और इंडस्ट्री पी 13.05 है। मीन्स एज पर इंडस्ट्री पी शेयर एक महंगे प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू 14 की है, विच मीन्स के बुक वैल्यू से 1.4 टाइम्स ट्रेड कर रहा है ये शेयर, एंड इसके सामने 2 की फेस वैल्यू पे है ये शेयर। तो अब क्वेश्चन आता है कि ये सारे डेटा से ये बैंक ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड है। येस बैंक 12 से 16% अंडर वैल्यूड है आज की डेट में एज पर बुक वैल्यू। तो कहीं ना कहीं ये शेयर आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म कर सकता है एज पर दिस डेटा। और जहां बैंक ने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 1285 करोड़ का प्रॉफिट बनाया था। और अब हम चार्ट देख लेते हैं, थोड़ा टेक्निकल वाइज देख लेते हैं, जिससे और चीजें क्लियर हो सके। शेयर अभी ट्रेड कर रहा है 20 रुपए के आसपास। इसका 52 वीक हाई था 32 एंड 52 वीक लो था 19 के आसपास। अगर इस लेवल से 20 से रिजेक्शन आता है तो ये शेयर आपको 19.20 के लेवल्स दिखा सकता है। और जैसे ही 19.20 के लेवल को ब्रेक करता है तो ये शेयर आपको 17, 16 और 15 के लेवल्स दिखा सकता है। बट 16 के नीचे जाना थोड़ा मुश्किल लगता है, एंड इवन हम शेयर को बॉटम पे नहीं पकड़ सकते। ये नोट करना, हमारे लेवल्स कभी भी लेवल्स में मिलता है तो ये शेयर के बारे में आप सोच सकते हो। और जहां हम टारगेट की बात करते हैं तो हमारा पहला टारगेट रहेगा 22, और जैसे ही 22 के लेवल को सस्टेन करेगा तो ये शेयर आपको 23, 25 और 26 के लेवल्स दिखा सकता है। मींस इस लेवल से 30% के आसपास का अपसाइड दिख सकता है। तो जैसे टारगेट अचीव होता है हम इसे फिर से रिव्यू करेंगे आगे के टारगेट्स के लिए। और ये शेयर में टाइम फ्रेम बताना थोड़ा मुश्किल है, बट फिर भी आप 12 से 15 महीने का टाइम फ्रेम लेके चल सकते हो 26 के टारगेट के लिए। और लॉन्ग टर्म में ये शेयर आपको 190, 200 के टारगेट्स भी दिखा सकता है, चाहे वो 5 साल ले लो या फिर 10 साल ले लो, वो मैं नहीं कह सकता। बट यस, बैंक में चीजें बदलेगी तो मार्केट रीरेट कर सकता है येस बैंक को। ये जो भी टारगेट्स निकल के आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एज पर चार्ट है, तो ये चीज को आप नोट करना। तो शायद मैं इसमें गलत भी हो सकता हूं, तो आप इस वीडियो को देख के
कोई भी डिसीजन ना ले। तो ये शेयर आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड करें एंड वॉच करें ऑन रेगुलर बेसिस पे। एंड मार्केट को वक्त देना गाइज, आप पेशेंस रखना, तभी आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। बिकॉज ये मार्केट है, उतार चढ़ाव अप एंड डाउन्स रहेगा ही रहेगा, आप बस पेशेंस रखें मार्केट में। तो अपने पैसे ऐसी जगह निवेश करें जहां आपका पैसा, आपका कैपिटल सेफ रहे, एक नॉमिनल रिटर्न मिले आपको। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप निफ्टी 20, IT 20 के बारे में भी सोच सकते हो। एंड हाँ दोस्तों, अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो प्लीज अपने एडवाइजर से जरूर सलाह ले, एंड सबसे ज्यादा आप खुद रिसर्च करें। आई होप आपको वीडियो एंड हमारी मेहनत पसंद आई हो, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें आप, एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं हम दूसरे वीडियो में, जुड़े हमारे साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखना। जय हिंद गाइज।